फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी हम बताने वाले हैं हिंदी 20 सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो है उसके क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। तो भाई अपना कोड देख लेना, कोड मैच कर लेना हिंदी 20। तो अभी हम बताने वाले हैं इसके चार आंसर्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिखा देते हैं, प्रतिवाद की प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, विशेष प्रवृत्तियाँ। अब आपको लिखना है स्टार्ट कहाँ से करना है, वो मैं आपको बता दूँ ज़रा, आपको हेडिंग कहाँ से लिखनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ से अभी कुछ ही नहीं लिखना है आपको, सबसे पहला आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से इस जगह पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, प्रवृत्तियाँ। पहली आती है रूढ़ी विरोध, आपको यहाँ से लिखना है स्टार्ट करना है पूरा। मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, ये सारा आपको लिखना है। फिर क्रांति के स्वर, और अगर किसी को वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो भाई प्लीज़ आप 720 पिक्सल करके देख लेना। 720 के क्वालिटी पे आपको बिल्कुल क्लियर और एकदम मक्खन नज़र आने वाला है, तब आप 720 करके चेक कर लेना। ये बीच बीच में दोहे दे रखे हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं उतारने हैं दोहे से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, फिर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम बताने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिखा देते हैं, सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि हैं। अब चलते हैं आंसर की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो मैंने बताया था उसका आंसर भाई यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको, महाकवि भूषण, ठीक है। ये पूरा लिखना है, ये इनका जीवन परिचय है, ठीक है। तो जीवन परिचय आपको उतारना है, आपको ज़्यादा नहीं उतारना, मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ तक उतारना पड़ेगा। बस आपको यहाँ तक उतारना है, इसके बाद स्टॉप हो जाना। ये इनकी रचनाएं हैं, आपको रचनाएं लिखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिखना, बस ज़्यादा मत लिखना, फिर आपको रुक जाना है। फिर आपको ये काव्यगत विशेषताएँ लिखनी है, विशेषताएँ आपको पूरी लिखनी है, काव्यगत विशेषताएँ आपको रीति युग यहाँ से लिखना है ये पूरा। और बीच में यहाँ पर कुछ स्टैंजास दे रखे हैं ऐसे, तो आपको ये सब नहीं उतारने बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये मत उतारना, फिर ये यहाँ पे भी कुछ स्टैंजास दे रखे हैं आपको, पैराग्राफ, ये आप मत उतारना बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपको दे रखे हैं, और आपको यहाँ तक लिखना है, बस इस जगह पे आपको रुक जाना है। यहाँ पे आगे आपका आंसर नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। आपको जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है वो कहाँ से करना है, हिंदी भाषा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो आपको सेकंड क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको सिक्स्थ, वो आपको लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से। ये पूरा का पूरा आपको सामान्य परिचय यहाँ से लिखना है, फिर यहाँ तक, ठीक है, पूरा आपको लिखना है। देन इसके बाद नीचे थोड़ा, ये आपकी सदी दे रखी है, सारा उतारना है आपको, ये पूरा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ये आपको यहाँ तक लिखना है, बस यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर है सिक्स्थ वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने अभी तक तीन आंसर बता दिए, चौथा आंसर है लास्ट, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आने वाली। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, सिद्ध कीजिए। तो अभी हम बताते हैं इसके आंसर की। हाँ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ये आपकी हेडिंग होगी। फिर आपको भक्तिकाल इस सीमा समान तक लिखना चालू करना है, फिर आपको ये लिखना है, ये भक्तिकाल के विकास है। आपको यहाँ तक लिखना है, बस इस जगह पे आपको स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। और अगर आपको लग रहा है भाई आपने कम लिखा, आपकी शीट नहीं भरी है, तो आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो इस जगह से, फिर आपको उसके बाद लिख लेना है ये पूरा, और आपको यहाँ तक रुक जाना है इस जगह पे, और आपका आंसर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की तरफ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।